संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके स्रोत। आज हम देखेंगे क्या है संविधान के विभिन्न प्रावधानों एवं उनके स्रोत। जैसे पहला में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया, तो ये मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया। किसका? तो रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से। अगला भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है, तो यह है जो आयरलैंड से। अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश के लिया गया, तो यह है फ्रांस से लिया गया है। अगला है भारत में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया न्यायिक पुनरावलोकन प्रक्रिया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया और प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, यानी भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया, तो यह दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। अगला भारतीय संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है जर्मनी से प्रेरित। कहाँ से? तो जर्मनी से। अगला शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था जिसको बोलते हैं फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह कनाडा से प्रेरित है। अगला है भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची जिसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टेब्लिश बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो यह जापान से ग्रहण की गई है। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो यह है जो रूस के संविधान से प्रेरित। अगला भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है, तो यह है ब्रिटेन पर आधारित है। अगला देखें कि भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है, तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला देखते हैं विभिन्न देशों के संविधान के लिए किए गए प्रावधान। पहला संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। दूसरा क्या है? मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद, यथोचित विधि प्रक्रिया। अगला ब्रिटेन के संविधान से, तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया और क्या सर्वाधिक मत के अधिकार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। अगला क्या है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया,
राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। कनाडा के क्या शासक केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, दूसरा शक्तियों का वितरण तथा अपशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित करना, अगला केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, और क्या उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी न्याय न्याय निर्णय, और है संगठनात्मक विशेषता, ये सारे कनाडा के संविधान से ले गए। अगला ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो लिया गया वह समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड से क्या ले गया, तो राज्य की नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। मतलब फ्रांस, फ्रांस से क्या ले गया, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। रूस से क्या ले गया, तो मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श। और जर्मनी से क्या ले गया, तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ले गया। विधि निर्माण किससे, तो जापान ब्रिटेन से, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो ये जापान से। अगला पहला में भारतीय संविधान के भाग, जिसको बोलते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनके संबंधित अनुच्छेद। विषय देखिए उससे संबंधित अनुच्छेद, संघ एवं उसके राज क्षेत्र यानी द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वन से लेकर चार तक है। सिटीजनशिप जिसको बोलते हैं नागरिकता, यह क्या है, पाँच से ग्यारह तक है। अगला फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं मूल अधिकार, यह 12 से 35 अनुच्छेद में है। अगला राज चार ए में, राज के नीति निर्देश भाग, देखिए भाग एक में, इधर भाग भी देखते चलेगा, भाग एक में संघ और उसके राज्य जिसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, एक से चार तक अनुच्छेद में। भाग टू में नागरिकता सिटीजनशिप, पाँच से लेकर वन ग्यारह अनुच्छेद तक। भाग तीन जिसको बोलते हैं मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स, 12 से लेकर 15 अनुच्छेद, चार भाग में। राज्य के नीति निर्देशक तक जिसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, 36 से 51 तक। अगला फोर का ए यानी फोर का क्या मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से है, तो एक कॉमन का, एक कॉमन का या कॉमन एक बोलते हैं। अगला है भाग पाँच में संघ यूनियन बोलते हैं, तो 52 से लेकर 151 तक। अगला है छठा में क्या है, राज्य स्टेट बोलते हैं, तो 152 से लेकर 237 तक। और तीसरा क्या है सातवां, भाग सात में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान सातवां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित 238 क्या है, निरसित है। अगला भाग आठ यानी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के नाम 239 लगे 242 तक। अगला नौवा में नौ भाग में पंचायत, पंचायत का क्या है 243 से लेके 243 न तक। अगला नगर पालिका क्या, अगला नगर पालिका तो भाग नौ का ए है म्यूनसिपालिटीज, ये 243 10 से लेके 243 या 6 तक, 243 या ये 6 तक। अगला अनुसूची भाग चार दस में अनुसूची और जनजातियों क्षेत्र, तो शेड्यूल्स एंड ट्राइबल एरिया 244 से लेके 244 का तक। और नौ बी में जिसको नौ खा बोलते हैं सहकारी समिति यानी द कोऑपरेटिव सोसाइटी 243 या जा से लेके न तक, जिया से लेके न तक, जा से लेके नौ तक। अगला है संघ और राज्यों के मध्य संबंध 245 से लेकर कहाँ तक है 263 तक है। भाग 11 में, भाग 12 में कितना, तो वित्त संपत्ति संविधान और बाद 264 से लेकर 301 तक। मतलब भाग 13 में भारत के राज क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, तो 301 से लेकर कितना है 307 तक। मतलब भाग 14 में संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएँ, जो 308 से लेकर कितना है 323 तक। अगला भाग है
14 हैं जिसको अधिकरण बोलते हैं, ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, 323 का से लेकर 323 ख तक। अगला है निर्वाचन, इलेक्शन बोलते हैं 15 भाग में, या 324 से लेकर 329 ख तक। 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष वर्ण जैसे अनुचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग एवं आंग्ल भारतीय के संबंध में विशेष वर्ण, यह 330 से लेकर 342 तक। अगला राजभाषा, 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेद में। अगला क्या है आपात उपबंध जिसको बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, ये क्या है 1518 में 352 से लेकर 360 तक। अगला परिकीरण जिसको मिसलिनियस बोलते हैं, 361 से लेकर 367, जैसे इंटरनेट मिसलिनियस में आ गया। अगला संविधान का संशोधन, तो यह है 368 में भाग 20 में, भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कालीय और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392 तक। अगला 22, भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसरण, ये क्या है 339 से लेकर 395 तक। भारतीय संविधान में भाग 11 है के अध्याय एक में संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों लेजिस्लेटर रिलेशन को क्या करता है, दर्शाता है।